वेलकम टू प्रा बालजी क्लासेस दिस इज इन वेरी ब्रीफ व्यू हम लोग ने शॉर्ट में सारे पार्ट्स के बारे में जाना अब हम लोग जो चार इम्पोर्टेंट वर्ल्स हैं फ्लावर के उन चारों वर्ल्स को थोड़े डिटेल में पढ़ेंगे सो द फर्स्ट वॉल आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे बाहर पाया जाने वाला वॉल होता है वो होता है हमारा फर्स्ट वॉल एंड दैट इज़ कैलिक्स कैलिक्स के यूनिट को हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं यानी सेप्पल्स को कलेक्टिवली कहा जाता है कैलिक्स नाउ सेपल्स तो जनरली ग्रीन कलर के होते हैं तो जब सेप्पल ग्रीन कलर के होंगे दैट तो हमारा कैलिक्स भी ग्रीन कलर का होगा देन इट इज नोन एज सेप्पलॉयड कैलिक्स यानी सेप्पल का जो यूजुअल कलर है उस कलर में अगर कैलिक्स पाए जाएंगे देन इट इज़ नोन एज सेपलॉयड कैलिक्स लेकिन अगर कैलिक्स के कलर अदर देन ग्रीन होंगे तो ऐसे कैलिक्स को हम लोग कहेंगे पैटेलॉयड कैलिक्स क्योंकि ये पैटल के कलर को ले लेते हैं दैट्स वाई इट इज नोन एज पैटेलॉयड कैलिक्स नाउ वी विल स्टडी द लोकेशन ऑफ कैलिक्स लोकेशन तो सबको पता है ये सबसे बाहरी वाला वर्ल है फर्स्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड इट फॉर्म्स द नॉन एसेंशियल वॉल ऑफ द फ्लावर ये कैसे वॉल है नॉन एसेंशियल और एसेंशियल वर्ल्स में हमारे स्टेमन और पिस्टिल आते हैं एंड नॉन एसेंशियल वॉल में हमारे कैलिक्स एंड कोरोला आएंगे सो so, ये चूंकि ग्रीन कलर होते हैं तो ये इनका एक काम फोटोसिंथेसिस भी हो जाता है क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे एंड इस तरह से ये बर्ड को जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होंगे कली के स्टेज में होगा तो इसका एक काम है बर्ड को न्यूट्रियस भी देना और इसका दूसरा काम है फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन देना है ना तो ये क्या करते हैं फ्लावर को बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन भी देते हैं अब अगर सारे सेपल्स यूनाइटेड हो जाए सारे सेपल्स यूनाइटेड हो जाएं, वो कहीं से भी उनमें जो नॉचेस पाए जाते हैं जो सेपरेशन पाया जाता है जिसके कारण हम पेटल्स को काउंट कर सकते हैं तो वो सेपरेशन नहीं हो वो सारे फ्यूज़ करके एक हो जाएं, तो ऐसे सेपल्स को हम लोग कहेंगे गैमो so, सेपल्स सो द सेपल्स पॉली सेनरली कैलिक्स विथर्स ऑफ व फ्रूट इज फॉर्म्ड वैसे तो जनरली कैलिक्स क्या होते हैं कि फ्रूट के फ्रूट्स के बनते ही क्या हो जाते हैं या फ्रूट बनने के पहले ही ये गिर जाते हैं लेकिन कभी कभी फ्रूट बनने के बाद फ्रूट बनने के बाद जैसे आप लोगों ने टोमेटोज में देखा होगा टोमेटो में ग्रीन कलर के लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि हमारा सेप्पल जो है परसिस्ट करता है और टोमेटो एंड देन ब्रिंजल ऑल्सो यूड हैव सीन तो ब्रिंजल में भी क्या होता है ये हमारा सेप्पल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट रहता है और काफ़ी दिनों तक ये परसिस्ट कर जाता है दैट मीन्स फ्रूट बनने के बाद तक भी यह पाया जाता है देन इट इज नोन एज परसिस्टेंट कैलिक्स परसिस्टेंट कैलिक्स बिकॉज ये परसिस्ट कर जाता है ना लंबे समय तक देन इट इज़ नोन एज परसिस्टेंट कैलिक्स नाउ फंक्शन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सो लेट्स Start our next slide. In this slide, you are able to see that all the sepals are united. So, here you see all the sepals are united. So, they form a unit. स्ट्रक्चर ये सब मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं एंड इसे तो हम लोग गैमो कैलिक्स कहते हैं यहाँ पर भी देखो ऊपर की ओर थोड़े से ये फ्री हैं अदरवाइज ये यूनाइटेड हैं सो दिस स्ट्रक्चर इज ओनली नोन एज गैमोसेपलस कैलिक्स इन पॉली सेप्लस कैलिक्स यू सी ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर ऑल द सेपल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर देर इंसर्टेड ऑन द रिसप्टिकल रिसेप्टल जो एक प्लेटफॉर्म पाया जाता है जिस पर सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज होते हैं दैट इज रिसेप्टिकल रिसेप्टल मीन्स आपने जब देखा होगा जो स्टॉक है फ्लार के जो स्टॉक होते हैं जैसे ये देखो फ्लार के स्टॉक हैं अब रोज फ्लार में आपने देखा होगा ये स्टॉक वाइड हो जाते हैं ऊपर चलकर और इसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स अटैच होते हैं तो दिस ब्रॉड पार्ट दिस पार्ट इज नोन एज रिसेप्टल दिस रिसेप्टेकल, ओके सो ब्रॉड पार्ट जो स्टॉल ऊपर जाकर ब्रॉड हो जाते हैं दैट इज ओनली नोन एज रिसेप्टल जिसके ऊपर सारे फ्लोरल पार्ट्स अरेंज रहते हैं ओके okay? नेक्स्ट वी विल सी अबाउट ई कैलिक्स नाउ वट इज ई कैलिक्स तो ई कैलिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ग्रीन कलर का होता है एंड दिखने में ये सेपल्स के जैसे ही लगते हैं ना तो ई पी कैलिक्स कहाँ पर पाए जाएंगे कैलिक्स के ठीक बेस पर सी हियर इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ द कैलिक्स और यहीं से छोटे छोटे लीफ लाइक -like स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहा है ना सो दीज आर ऑल्सो ग्रीन इन कलर एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ई कैलिक्स ये कैलिक्स के ऊपर है या फिर कैलिक्स के बेस पर होते हैं और दिखने में जब ये बर्ड स्टेज में रहते हैं तो ये कैलिक्स के ऊपर दिखते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा ईपी कैलिक्स और इपी कैलिक्स के भी फंक्शन है ये टुगेदर विथ कैलिक्स इट जस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द फ्लावर इन द बर्ड स्टेस ओके नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोरोला कोरोला इज द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर ये सेकेंड वर्ल्ड है ये दूसरा वर्ल्ड है बाहर से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड इज कैलिक्स देन सेकेंड वर्ल इज कोरोला सो कोरोला इज द सेकेंड वर्ल ऑफ द फ्लावर एंड Together with the calyx, it also provides protection to the फ्लावर इन द बर्ड स्टेज ये बर्ड स्टेज में भी देते हैं और इनका एक काम क्या है कि ये अंदर में जो दो इम्पॉर्टेंट वल पाए जा रहे हैं दैट इज ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्टेमना एंड पिस्टिल तो इस ये स्टेमन और पिस्टिल को भी प्रोटेक्शन देते हैं और उसे बाहर से कवर करते हैं है ना तो इट एक्ट जस्ट लाइक द कॉस्ट्यूम ऑफ स्टेमन एंड पिस्टिल स्टेमना एंड पिस्टिल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और कैलिक्स एंड कोरोला मिलकर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कवर करके रखते हैं ना? तो जब ये कॉस्ट्यूम नहीं होगा तो हम लोग उसे क्या कहेंगे नैकेट फ्लार कॉस्ट्यूम ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला इज नॉट फाउंड इन द फ्लावर, देन द फ्लावर इज नोन एज नैकेड फ्लावर। ओके नाउ जैसे सेपल्स यूनाइटेड हो जाते थे तो वो गैमो सेपल्स कहलाते थे ठीक उसी तरह अगर पेटल्स यूनाइटेड हो जाएंगे देन द दे टर्म विल बी गिवन गैमो पेटल्स गैमो पैटल्स ओके वेन द पेटल्स आर यूनाइटेड बट इफ द पेटल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर देन इट इज नोन एज पॉली पेटलस सो पेटल्स आर फ्री इन केस ऑफ पॉली पेटल आगे वाले स्लाइड में हम लोग इसके पिक्चर्स भी देखेंगे पिक्चर्स देखने से आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा सो द कोरोला इज़ जनरली लार्ज एंड सोई ये लार्ज होते हैं और सोई कलर के होते हैं बहुत चटकदार कलर के होते हैं ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें इंसेक्ट्स को या फिर बर्ड्स को या डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अट्रैक्ट कर सकें सो दैट इनके कलर के ला, के लालच में या फिर इनके अंदर जो फ्रेगरेंस एक खुशबू होती है उसके लालच में जब इंसेक्ट्स इनके नज़दीक जाते हैं या नेक्टर की लालच में जब इंसेक्ट्स इनके नज़दीक पहुंचते हैं तो उनके बॉडी में पोलन ग्रेन्स लग जाता है और वहां से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर्ड हो जाते हैं टू द फीमेल फ्लावर एंड दिस प्रोसेस इज ओनली नोन एज पॉलिनेशन सो पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा सो दिस पार्ट दैट मींस पेटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में ये काफी हेल्पफुल होता है, है ना सो so, फंक्शन अब क्लियर हो चुका होगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरोला ये जनरली इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं टू ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन पॉलिनेशन के प्रोसेस के लिए एंड दे इन द बर्ड स्टेज द कोरोला कोरोला टुगेदर विथ कैलेक्स प्रोटेक्ट्स द इनर एसेंशियल वर्स मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कॉस्ट्यूम की तरह काम करता है ना कॉस्ट्यूम ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव वर्ल्स दैट आर फाउंड इनसाइड द नॉन एसेंशियल वर्ल्स नॉन एसेंशियल वर्ल्स दो हो गए कौन कौन कैलिक्स एंड कोरोला और एसेंशियल वर्ल्स भी दो हो गए स्टैमेन एंड पिस्टिल अब हम लोग देखेंगे गैमो पेटल्स कैसे होते हैं और पॉली पेटल्स कैसे होते हैं सो इन दिस स्लाइड इट इज़ वेरी मच क्लियर गैमो पेटल्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे पेटल्स यूनाइटेड हो गए हैं सारे पेटल्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं है नो सेपरेशन और नो नॉचेस आर फाउंड बिटवीन द पेटल्स और इस तरह से क्या हो गया कि ये एक बेल शेप स्ट्रक्चर ले लेते हैं ना बेल शेप स्ट्रक्चर ले लेते हैं सो दिस इज नोन एज गैमो Petalous corolla when all the petals are united. Next, we will see about polypetalous corolla. Okay, so polypetalous as it is clearly visible, it is clearly visible in this slide, you see. ऑल द पेटल्स आर फ्री फ्रॉम इच अदर एक नाच एक गड्ढा जैसा पाया जा रहा है जो सेपरेट कर रहा है दो पैटल्स को एक दूसरे से है ना सो दिस नाचेस आर डिफ्रेंसीटिंग बिटवीन द टू पेटल्स ये क्या कर रहे हैं दो पेटल्स को अलग कर रहे हैं है ना तो सारे पेटल्स के बीच एक नाच पाया जा रहा है जिससे पेटल्स एक दूसरे से फ्री हैं तो दिस टाइप ऑफ पेटल्स आर नोन एज पॉली पेटल्स कोरोला ओके okay? तो ऐसे पेटल वाले आपने बहुत सारे फ्लावर्स देखे होंगे है ना सदाबहार फ्लावर जो बहुत कॉमन है तो उनके पेटल्स भी कैसे होते हैं फ्री होते हैं एक दूसरे से अब जैसे हम लोग मालवेसी फैमिली का वो चाइना रोज भी देखते हैं तो चाइना रोज भी उनके भी पेटल्स क्या हैं फ्री फ्रॉम ईच अदर है सारे पेटल्स एक दूसरे से अलग होते हैं है ना next we will see about two more structure that is bracts and nectaries bracts and nectaries listen students all the pdf i will uh, share on my टेलीग्राम चैनल दैट इज़ प्रग्ञा बैलॉजी क्लासेस सेम नाम से प्रग्ञा बैलॉजी क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर कि सारे पी डी एफ़ शेयर किए जा सकेंगे तो अगर मेरे पिक्चर के पीछे कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके आ जा रहे हैं तो आप उसके लिए टेंशन ना लें क्योंकि ये सारे पी डी एफ़्स आई विल सेयर ऑन टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल लिंक आई विल सेयर सो दैट यू कैन फाइंड माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो सो दीज टू स्ट्रक्चर आर ब्रैक्स एंड नैक्टेज नाउ जो ब्रैक्स वाले स्ट्रक्चर हैं वो क्या होते हैं कि जब फ्लार जो है किसी लीफ के एक्सेल से निकलते हैं सपोज अभी मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके है ना तो जैसे ये कोई लीफ है और ये स्टेम है है ना तो स्टेम के एक्सेस से जब कोई फ्लार निकले और फ्लार जो है इतने छोटे हों और उनके जो लीव्स होंगे जो जो उनको सराउंड करके चारों तरफ से रहेंगे वो लीव्स जो है मॉडिफाइड होके बहुत ही ब्राइट कलर के हो जाएँ वो जनरली लीव्स कैसे होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं लेकिन अगर जिस लीफ के एक्सल से फ्लार आ रहा है वो लीव्स ही मॉडिफाइड होके चटकदार कलर के हो जाते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ब्रैक्ट और ये स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है पेपर फ्लार यानी बोगेनवीलिया में बोगेनवीलिया में एक्चुअल फ्लावर ये येलो कलर का जो स्ट्रक्चर है दिस इज द एक्चुअल फ्लावर एंड दिस आर मॉडिफाइड लीव्स जो पिंक कलर के दिख रहे हैं इस येलो फ्लावर को सराउंड किए हुए तो ये पिंक कलर के जो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर लीव्स मॉडिफाइड लीव्स हम लोग इसे बोल सकते हैं ना तो ये मॉडिफाइड लीव्स होते हैं और वो चटकदार कलर के हो जाते हैं तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने क्या कहा ब्रैक्ट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट

ये कहाँ लोकेटेड होंगे पेटल्स के बेस पर और अगर फ्लावर को देखा जाए तो रिसेप्टिकल के ऊपर ये सेंट्रली लोकेटेड होंगे सेंट्रली लोकेटेड होंगे सेंटर में होंगे नेक्टरीज और उसके चारों तरफ से पेटल्स निकले होंगे उसे सराउंड करते हुए है ना तो सेंट्रली लोकेटेड होंगे किस पर रिसेप्टिकल पे ठीक है तो अब ये जो स्ट्रक्चर है नेक्टरीज इट विल फॉर्म अ स्वीट सब्सटेंस दैट इज नोन एज नेक्टर द सुगरी सब्सटेंस इज नोन एज नैक्टर विच जो हम uh, क्या क्या होते हैं इंसेक्ट के द्वारा पिए जाते हैं सो विच इंसेक्ट ड्रिंक टू गिव दैम इनर्जी विच इंसेक्ट ड्रिंक टू गिव दैम इनर्जी इंसेक्ट भी इसे न्यूट्रिय के लिए पियेंगे है ना नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट अरोमास जो फ्लावर में जो डिफरेंट अरोमास या फिर डिफरेंट स्मेल फ्रेगरेंस पाए जाते हैं वो किस वजह से पाए जाते हैं तो फ्रेगरेंस का मेन फंक्शन है टू अट्रैक टू अट्रैक्ट पॉलीनेटर्स पॉलीनेटर्स को डिफरेंट एरोमाज जो होते हैं फ्लावर के वो अट्रैक्ट करते हैं ना तो चाहे वो पॉलीनेटर्स इंसेक्ट हो हमिंग बर्ड्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स ही क्यों ना हो तो ये डिफरेंट एनिमल्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये अरोमा होता किस वजह से है ना तो ये जो फ्रैगरेंस होते हैं ये फ्रेगरेंस नेक्टर की वजह से ही होते हैं ये सुगरी सब्सटेंस एक खुशबू देते हैं तो इसी वजह से फ्लावर्स के जो अरोमा या फिर खुशबू को हम लोग फील करते हैं सो दिस नेक्टर इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट अरोमा ओके सो इंसेक्ट विल गेट पॉलन ऑन देयर बॉडीज़ अब नेक्टर को नेक्टर को लेने के दौरान क्या हो जाता है कि इंसेक्ट के बॉडी में पॉलिन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे और जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पर नेक्टर की लालच में बैठेंगे तो वहां पर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर्ड हो जाएंगे फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ठीक है एंथर से स्टिग्मा को और यही प्रोसेस तो हमारा पॉलिनेशन है तो इस तरह से ये डिफरेंट एरोमास हो जाएं या फिर डिफरेंट जो ब्राइट कलर्स ऑफ पेटल्स हैं ये सब पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे इन दिस स्लाइड यू कैन सी नेक्टरीज है ना यहाँ पे पेटल्स को क्या कर दिया गया रिमूव कर दिया गया है ताकि आप देख सको कि व्हाट इज द लोकेशन नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्लावर्स विदाउट कैलिक्स एंड कोरोला डिफ्रेंसीशन जब आप कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंसीशन नहीं कर सकते हैं तो ऐसे फ्लावर्स को हम लोगों कहते हैं या फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स को फ्लावर का वो स्ट्रक्चर जब कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंसीशन नहीं हो सकता है अब आप लोगों को पता है कि कैलिक्स के कलर कैसे होते हैं जनरली ग्रीन और कोरोला के कलर ये कलरफुल होते हैं तो कोरोला कैसे होंगे कोरोला का कलर होता है पेटल्स वाला कलर तो जब सेपल्स और पेटल्स एक ही रंग के हो जाएं या तो सेपल्स और पेटल्स दोनों के दोनों ग्रीन हो जाएं जैसा कि आपके स्लाइड में शो किया गया है कि सेपल्स और पेटल्स दोनों ग्रीन कलर के है ना यहाँ इन दिस स्लाइड यू सी जस्ट मिनट इन दिस स्लाइड यू सी इन दिस स्लाइड सेपल्स एंड पेटल्स आर ऑफ सेम कलर ये दोनों क्या हो गए हैं ग्रीन कलर के हो गए हैं अब आप इसमें डिफ्रेंसीट नहीं कर सकते कि कौन सा पार्ट सेपल है एंड कौन सा पार्ट पेटल है तो ऐसे सिचुएशन में ये जो स्ट्रक्चर होगा वो पेरियंत कह लाएगा पेरियंत को हम लोग टैपल्स भी बोलते हैं है ना पेरियंथ को टेपल्स भी कहा जाता है नाउ टेपल्स ऑफ पेरियंत अगर कलरफुल हो जाए है ना टेपल्स अगर कलरफुल हो जाए तो ये पेटल के कलर को लेके क्या कहलाएंगे पेटलॉइड टेपल्स ऐसे टेपल्स जो कलरफुल हो जाए पेटल के कलर के हो जाएंगे तो पेटलॉइड टेपल अगर वो सेपल के कलर के दैट तो मीन्स ग्रीन कलर के हो जाएंगे तो सेप्पलॉयड पेटल तो सेप्पलॉयड टेपल और पैटलॉयड टेपल में डिफरेंस पता चल गया पहले तो टेपल्स किसे कहेंगे ये हम लोगों को समझना है तो टेपल्स वेन कैलिक्स एंड ऑफ सेम कलर दोनों सेम कलर के हो जाते हैं एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफ्रेंसिएट बिटवीन देम तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग पेरियंथ या फिर टेपल्स कहेंगे है ना और जब टेपल्स के कलर ग्रीन हो जाएं, यानी सेपल के कलर के हो जाएं तो सेप्पल टेपल और जब टेपल्स के कलर डिफरेंट कलर्स के अदर देन ग्रीन कलर के हो जाए

स्केल लाइक लीव्स भी हों फ्लावर के साथ स्केल लाइक एकदम छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ छोटे छोटे स्केल्स जैसे स्ट्रक्चर भी हों तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे ब्रैक्टियोल्स ओके ब्रैक्ट तो लीफलेट लाइक स्ट्रक्चर ये बड़े स्ट्रक्चर होंगे बड़े लीफ के तरह होंगे तो ब्रैक्ट और अगर छोटे छोटे स्केल्स की तरह होंगे तो ब्रैक्टियोल्स ओके okay? अब अगर फ्लावर में ब्रैक्स प्रेजेंट हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रैक्ट फ्लावर इज ऑफ टू टाइप्स ओके इफ ब्रैक्ट इज प्रेजेंट देन फ्लावर इज नोन एज ब्रैक्टिएट फ्लावर इफ ब्रैक्ट इज एबसेंट देन द फ्लावर इज नोन एज ई ब्रैक्टिएट फ्लावर सिमिलरली If bracteoles are present, then the flower is known as bracteolate flower. And if bracteoles are absent, then the flower is known as e flower. Peduncle, the stalk of the flower. ये स्टॉल्क है और यही स्टॉल्क जब ऊपर जाके यहाँ पे देखो आपके रिसेप्टिकल बहुत ही क्लियरली विजिबल है है ना रिसेप्टिकल क्या है क्लियरली विजिबल है आप यहाँ पे देखो रिसेप्टिकल वाला पार्ट ये है जो ऊपर जाके ब्रॉड हो जाता है ना तो एंड दिस इज स्टॉल्क दैट इज ऑल्सो नोन एज पेडंकल स्टॉक को हम लोग पेडंकल भी बोलते हैं पेडंकल के ठीक ऊपर पाया जाता है रिसेप्टिकल Next we will discuss about Androsium. Androsium is the male reproductive wall of a flower. Male reproductive wall of the flower is known as Androsium. ठीक है और इसके जो यूनिट होंगे इसे कहा जाएगा स्टेमन ऐसे भी मेल मैन होते हैं ना मैन तो ये ट्रिक हो गया कि मेल वाले को हम लोग कहेंगे मेल के यूनिट को कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के यूनिट को कहेंगे स्टेमन ओके स्टेमन और अब जो बच गया वो तो पिस्टिल हो गया पिस्टिल को कार्पिल भी कहा जाता है तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा है ना सो so, जो एंड्रोसियम वाला वर्ल होगा वो उसके यूनिट होंगे स्टेमन। एंड्रोसियम वाले वर्ल के यूनिट को कहेंगे स्टेमन। अब स्टेमन के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे डिस्कस कर लेना होगा सो स्टेमन, एज वी ऑल नो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ अ फ्लावर स्टेमिन को कलेक्टिवली कहेंगे एंड्रोसियम और अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन के स्ट्रक्चर में आप देखो नेक्स्ट स्लाइड में स्टेमिन दिखाया गया है इसके स्ट्रक्चर में आप देखो देर आर मेनली टू पार्ट्स ये जो येलो जो अपर ब्रॉडर पार्ट है दैट इज नोन एज एंथर एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट है ना तो इसके दो मेन पार्ट होंगे एंथर एंड फिलामेंट अब देखो एंथर वाले पार्ट को आप देखो ये कैसे होते हैं बायलोब डिस्ट्रक्चर होते हैं यानी कि इसमें दो लोब्स पाए जाते हैं ये एक बायलोब डिस्ट्रक्चर है लेकिन अगर ऊपर से ट्रांसवर्स सेक्शन किया जाए ऐसे ट्रांसवर्सली कट किया जाए ना उसमें तो ट्रांसवर्सली कट करने के बाद अंदर से हम लोग क्या देखते हैं कि अंदर में फ़ोर चैम्बर्स पाए जाते हैं ना तो इन फोर चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम या फिर क्या कहलाएंगे ये पोलन पोलेंक्स और ये पॉलन सेक्स के अंदर ही फिल्ड होते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स है ना पॉलन ग्रेन क्या होते हैं मेल गैमेट पॉलन ग्रेन होता है मेल गैमेट एंड एग होती है फीमेल गैमेट है ना एग पाया जाता है कहाँ पर फीमेल फ्लावर में एंड एंथर पाया जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा पॉलन ग्रेन्स पाया जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एंड मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज स्टैमन स्टैमन का एंथर वाला पार्ट स्टैमन के दो पार्ट एंथर एंड फिलामेंट अब एंथर वाले पार्ट को अगर ट्रांसवर्सली कट करते हैं तो अंदर में चार चैम्बर्स दैट फोर चैम्बर्स को में से हर एक को हम लोग कहेंगे स्पोरेंजियम या फिर पॉलन सैक पॉलन सैक पॉलन सैक के अंदर ग्रेन्स पाए जाते हैं और आप लोगों को यह भी याद रखना होगा कि जो एंथर है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है बाहर से वो दो लोब का बना हुआ स्ट्रक्चर दिखता है लेकिन जैसे हम लोग उसके कट करते हैं ट्रांसवर्स कट लेते हैं तो पता चलता है कि हर एक लोब के अंदर दो और चैम्बर्स होते हैं ना इसलिए अंदर से देखने में कितने चैम्बर्स हो गए हर एक लोब में दो चैम्बर्स और ये चूंकि बायलोब स्ट्रक्चर है यानी दो लोब्स यानी टोटल फोर चैंबर्स पाए जाते हैं अंदर की तरफ है ना नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट पॉलन ग्रेन्स पॉलन ग्रेन्स को डिस्कस करेंगे पॉलन ग्रेन्स स्ट्रक्चर इज हियर सो हियर यू कैन सी दिस इज द पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर है ना पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे दो लेयर्स पाए जा रहे हैं ना आउटर लेयर आउटर कोट एंड इनर कोट सो आउटर कोट इस एकदम स्पाइनी है है ना तो ये कैसे छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर निकल रहे हैं तो ये आउटर कोट है और इनर कोट आप देखो कैसे प्लेन से हैं एकदम यूनिफॉर्म से हैं ना तो वो इनर कोट और आउटर कोट यानी कि ये दो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से कवर्ड रहते हैं इनमें प्रोटेक्ट कलेक्शन दिया जाता है आउटर कोट एंड इनर कोट दोनों से है ना और आउटर कोट में आप ध्यान से देखो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं दैट इज नोन एज जर्म पोर दैट इज नोन एज जर्म पोर है ना आउटर कोट में पाए जाते हैं जर्म पोर और इसी जर्म पोर से जब ये वाला अंदर में जो हमारा क्या है इसके अंदर क्या पाया जाता है पोलिन ग्रेन्स पाए जाते हैं और पोलिन ग्रेन्स के अंदर मेल न्यूक्लियस पाया जाता है तो जब पोलिन ग्रेन जर्मिनेट करते हैं तो इस स्ट्रक्चर जर्म पोर के थ्रू ही ये इसके जर्मिनेटेड पार्ट बाहर निकलेंगे है ना तो जर्मिनेट करने के बाद जो पॉलन ट्यूब है यह इसी जर्म पोर के जरिए बाहर निकलेगा है नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एंथर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंथर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है फिर एंथर के अंदर कितने चैम्बर्स होंगे क्या होंगे ये हम लोगों ने डिस्कस किया हम इवन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेनस नेक्स्ट वॉट इज स्टैमन सो स्टैमन आप लोगों ने अभी देखा था स्टैमन ये क्या है यूनिट ऑफ एंड्रोसियम इज नोन एज स्टेमन और स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर आप देखो ये इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं मैं अभी ड्रा करके आपको बताती हूं ये देखो ये हो गया एंथर ठीक है और एंथर से ये अटैच्ड होंगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अब ये बाइलोब स्ट्रक्चर है तो चलो इसमें दो लोब्स बना दिए जाते हैं ना दो लोब दिस इज एंथर एंड दिस वन इज फिल फिलेंट तो दो ये इन दोनों से मिलकर बना होता है हमारा स्टेमिन नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंड्रोसियम एंड्रोसियम कितने तरह के होंगे है ना तो एंड्रोसियम जनरली कितने तरह के होते हैं दो तरह के कौन कौन अब एंड्रोसियम को डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है तो अगर हम लेंथ ऑफ फिलामेंट के आधार पर इसे क्लासिफाई करते हैं तो एंड्रोसियम दो तरह के होते हैं डायडाइनमस एंड टेट्रा डायनमस डाई मींस टू टू डायमीन्स टू सो अगर स्टैमन के जो फिलामेंट हैं उसके दो सेट में लंबाई पाई जाए मतलब दो तरह के लेंथ पाए जाएं तो ऐसे एंड्रोसियम को हम लोग कहेंगे डायनमस आप इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे है ना यहाँ पे दो लेंथ ऑफ स्टैमन पाए जा रहे हैं स्टैमन एक स्टैमन यहाँ इतनी हाइट पाई जा रही है और एक इससे छोटा पाया जा रहा है ना तो स्टैमन के दो सेट पाए जा रहे हैं यहाँ पर तो इसलिए ऐसे स्टेमन को कलेक्टिवली हम लोग कैसे एंड्रोसियम बोलेंगे डायडाइनमस एंड्रोसियम देन टेट्राडाइनेमस एंड्रोसियम मीन्स फोर लॉन्ग एंड टू शॉर्ट स्टेमेंस। इसमें चार स्टेमेंस लॉन्ग होते हैं और दो छोटे होते हैं तो चूंकि चार लॉन्ग होते हैं इसलिए टेट्राडाइनेमस एंड्रोसियम नाउ अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्टेमिन इस्टेमिन के नंबर्स कितने हैं तो इस नंबर के आधार पर भी हम लोग इस, इसे फ्लावर को बांट सकते हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एंड्रोसियम को डिवाइड कर सकते हैं टू टाइप्स में दैट इज मोनो एंड्रस एंड पॉली एंड्रस मोनो एंड्रस मीन्स जो स्टेमन्स जो होते हैं वो सिर्फ एक स्टेमिन यानी कि एक ही हाइट के होंगे है ना सो so, अगर एक स्टेमिन पाया जा रहा है तो मोनो मोनो एंड्रस और अगर दो स्टेमिन पाए जा रहे हैं तो डाई एंड्रस ट्राई टेट्रा इस तरह से हम लोग इसके नॉमिन को देखेंगे है ना और अगर बहुत सारे स्टेमिन पाए जा रहे हैं तो ऐसे स्टेमिन को हम लोग कहेंगे पॉली एंड्रस स्टेमिन ओके नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द कोहेशन और फ्यूजन ऑफ स्टेमेंस, ओके सो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे डायग्राम्स भी साथ साथ दिए गए हैं तो डायग्राम्स को देख के आप लोग समझ जाओगे कि इफ स्टेमेंस आर फ्यूज बाय देयर फिलामेंट्स ओनली सारे स्टेमेंस के फिलामेंट्स फ्यूज होकर एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर बनाते हैं और उनका जो अपर पार्ट होता है वो फ्री होता है ठीक है तो जब स्टेम फ्यूज कर जाते हैं और फ्यूज करके यहाँ पे देखो मोनोडल्फस यानी कि यहां पर क्या है कि वन सेट बना रहा है ना फ्यूज करने के बाद आप देखो जस्ट मिनट फिलामेंट इनके फ्यूज कर चुके हैं और यहां पर सारे फिलाेंट फ्यूज करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे मोनोडेल्फस है ना अब यहाँ पर देखो स्टेमन जो स्टेमन के फिलामेंट फ्यूज तो किए लेकिन दो सेट में है ना दो सेट ऑफ फिलामेंट्स हैं यहाँ पर तो ऐसे एंडोसेम को हम लोगों ने कहा डायडेल्फस इफ मल्टीपल मल्टीपल सेट ऑफ मल्टीपल सेट ऑफ स्टेमिन सर फाउंड यानी कि बहुत सारे ग्रुप्स में पाए जा रहे हैं तो इसे कहेंगे पॉलीडेल्फस है ना इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ना नहीं है सिनेंथ्रस एंड uh, ये भी नहीं पढ़ना है ठीक है तो इसलिए इस पर नहीं ये तीन आप लोगों को पढ़ना था इसलिए मैंने डिस्कस किया नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट गायनेशियम गायनेशियम वॉट इज गायनेशियम दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड स्ट्रक्चर तो इसके बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा है Class 6 onwards hai parahana. This is the top flat platform on which the pollen grains fall. This structure is known as stigma. What is this? Stigma. Then this tubular structure is known as style. And this is known as stigma style and ovary. ओवरी ठीक है ओवरी के अंदर फिर क्या पाया जाएगा ओव्यूल्स पाए जाएंगे है ना? और ये ओवरी के वाल से अटैच रहते हैं थ्रू प्लासेंटा यहाँ पे इस डायग्राम में आप देखो ओवरी के अंदर अब एक ओव्यूल भी पाया जा सकता है या मल्टीपल ओव्यूल्स भी पाए जा सकते हैं है, है ना? ये डिपेंड करता है कि हम किस फ्रूट की बात कर रहे हैं ओके क्योंकि ओवरी आगे चलकर बनाता है फ्रूट और ओव्यूल्स आगे चलकर बनाते हैं सीड्स है ना ओव्यूल्स के डिफरेंट अरेंजमेंट होते हैं हमारे ओवरे mm, के अंदर तो ऐसे स्ट्रक्चर या फिर ऐसे अरेंजमेंट को जिसमें ओव्यूल्स के अरेन्जमेंट को हम देखते हैं फ्लार के ओवरी के अंदर ओव्यूल्स के अरेन्जमेंट को जब हम देखेंगे दैट इज़ नोन एज प्लासेंटेशन है ना प्लासेंटेशन प्लासेंटेशन के डेफिनेशन को पढ़ना भी है तो अभी ये क्लियर हो गया कि द अरेजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी इज नोन एज प्लासेंटेशन चूँकि वो प्लासेंटा नाम के स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं ओवरी के वॉल से आप यहीं पर देखो इस डाइग्राम में दिस इज वॉल ऑफ द ओवरी ओवेरियन वॉल और यहाँ से सारे ओव्यूल्स अटैच्ड है ना तो सारे ओव्यूल्स जो अटैच्ड हैं तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पर तो ये प्लासेंटा है प्लासेंटा के थ्रू ही वो ओवेरियन वॉल से अटैच रहते हैं है ना देखो अब आपको क्लियरली विजिबल होगा ओके okay. सो so, पिस्टिल अभी तुरंत हम लोगों ने डिस्कस किया है पिस्टिल स्टिग्मा स्टिग्मा के क्या फंक्शन हैं यहाँ पे पॉलन ग्रेनस फॉल होंगे और यही वो स्ट्रक्चर है जो ब्रॉड स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है जो कि पॉलिनेशन के बाद क्या करेगा रिसीव करेगा पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करने वाला ये पार्ट है रिसीवर पार्ट ऑफ द पॉलन ग्रेन्स नाउ स्टाइल स्टाइल इज़ द ट्यूबलर पार्ट है ना middle part of the gynasium now what is ovary ovary is the structure that contain egg cell hai na? placentation I just explained what is placentation a bar is a per next this is the different arrangement of this is the, uh, this is different arrangement of ovules in the ovary and ovules in the ओवरी सो so, इनके डिफरेंट नेम्स भी मैंने यहाँ पे इंकलूड किया है दैट इज़ नॉट इन योर सेलेबस आपको उनके नाम याद नहीं करने हैं ना बस समझने के लिए कि कभी कभी ये प्लासेंटेशन कैसे होते हैं एक्जिलरी होते हैं कभी कभी क्या होते हैं रेडियल होते हैं कभी कभी ये सेंट्रल लोकेशन पर देखे जा सकते हैं है ना सो फ्री सेंट्रल देन रेडियल लोकेशन एग्जीलरी लोकेशन सो यहाँ पर बस उनके अरेंजमेंट डिफरेंट अरेजमेंट को शो करने के लिए ये स्लाइड लिया गया है ना नेक्स्ट इज इंपोर्टेंस ऑफ फ्लावर फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट है ये तो हम लोग uh, जो हमारे पहले वीडियो थे वहाँ पर भी डिस्कस किया गया था कि फ्लावर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करते हैं फ्लावर्स के कारण ही हम लोग फ्रूट्स पाते हैं है ना फ्लावर्स का जो ओवरी पार्ट है वो ही आगे चल के फ्रूट बनाता है तो जो डिफरेंट फ्रूट्स अवेलेबल हैं वो फ्लावर के कारण ही अवेलेबल हैं उनके सीड्स भी अवेलेबल हैं तो फ्लावर के कारण ही अवेलेबल हैं अब सीड डिस्पर्सल होता है यानी वेराइटी ऑफ प्लांट्स वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स इदीप हमें मिलते हैं है ना और भी बहुत सारे इसके इम्पॉर्टेंस एवरी थिंग इन दिस स्लाइड वंस यू सी द स्लाइड ओके सो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी अगर कोई भी टर्म ऐसा होगा जो समझ में नहीं आया है तो आप उसे हमारे मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए उसके बाद मैं क्या करूँगी आपके सारे क्वेरीज़ को लेकर एक वीडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो है ना सारे टॉपिक्स आप लोग समझ पाओ इसलिए आप आराम से अपने जो भी क्वेरीज़ हैं उनको मैसेज बॉक्स में लिख देना सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो